मौला फरमाते हैं, ऐ मकलाई, जब कोई मेरे घर पे आता है, मैं रुमाल और एक पानी का प्याला लिए दरवाजे पे खड़ा हूँ, मेरा बच्चा जब आके है जिंदा कहता है तो मैं रुमाल से उसका मुंह साफ करता हूँ, फिर इस नूर के पानी से उसको छांटा देता हूँ और बहुत से उसके अजाने गुना बिन माफी मांगे मैं माफ कर देता हूँ, मैं उसे बरकत नवाजों से नवाज देता हूँ। ये चीज घर में किधर? जमात के साथ जो दुआ पढ़ता है, मैं कहता हूँ सारी जिंदगी जमात के बगैर जो आदमी दुआ पढ़ता रहे तो सारी जिंदगी की दुआएं एक तरफ रहे, सिर्फ एक जमात की दुआ भी है ना, वो उन तमाम दुआओं से ज्यादा ऊंची है। जमात के साथ दुआ पढ़ने का बहुत बड़ा दर्जा है। कोई एक तो ऐसा जीव जरूर है जो इमाम के दिल के नजदीक है, जब वो हाथ उठाता है तो इमाम उसकी दुआ रद्द नहीं करता। खास तौर पे रूहानियत के लिए सुबह की हाजिरी बहुत जरूरत है।